अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेयर आई एम बैक विद अमेजिंग कलेक्शन ऑफ रेसिपीज़ फॉर ईद उल अज़हा एंड फ्रॉम मी आई विश यू अ वेरी हैप्पी हज एंड हैप्पी ईद मुबारक इन एडवांस। एंजॉय माय रेसिपी एंड हैव अ हैप्पी ईद। देखो, मैं आज ये फ्राइड चॉप्स बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये चॉप्स ले लिए हैं हाफ के जी। इसको मैं सबसे पहले अपने प्रेशर कुकर में ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर ही मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको पहले हल्का सा फ्राई कर लूँगी इसका, ताकि जो स्मेल वगैरह है वो थोड़ी सी जो है निकल जाए। मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए पानी इसका, और ये जो इनकी स्मेल है या इनके जो अंदर से जूसेस निकल रहे हैं वो सारे एवेपोरेट हो जाएं। तो उसको एवेपोरेट करके मैं फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करती हूँ। ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर मैंने विनीगर ऐड किया है, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करा है मैंने इसके अंदर, और सॉल्ट ऐड करूँगी मैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। इसको मिक्स करके अच्छी तरह से, और इसको मैं अब प्रेशर कुकर में इसको मैं गलने के लिए छोड़ रही हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने इसको मीडियम से लो के बीच में मैंने फ्लेम रखा है अपना, क्योंकि मैं एकदम से तेज़ कर दूंगी तो वो फिर नीचे से लग ना जाए, जल ना जाए। इसलिए मैं इसको थोड़ी देर ज़्यादा के लिए रखूँगी, मतलब 15-20 मिनट्स रखूँगी, लेकिन फ्लेम इसका मैं मीडियम टू लो के बीच में मैंने कर दिया है। चॉप्स मेरी जो हैं ये गल चुकी हैं, इनको मैंने 15 मिनट्स के लिए रखा था। तो अब मैं इसको जो है ना, इसका मैं फुल फ्लेम करके ना, हाई पे फ्लेम करके इसको मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगी। मेरी चॉप्स का जो है ये पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया। बस अब मैंने इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगी। बस आप ये देखते हैं कि इसका पानी ड्राई हो गया है। इसके बाद जो प्रोसेस है ना वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद मैं इसका स्टोव ऑफ करके इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। मैंने चॉप्स को फ्राई कर लिया था एग्स एंड ब्रेड क्रम्स लगा के, और ये हमारी डन हो गई है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से वो कर लिया, ग्राइंड कर लिया है दोबारा से चॉपर में, क्योंकि इसके लिए पतला पतला कीमा ही होता है। इसके साथ मैंने दो प्याज लेके मीडियम साइज़ के, और ये सारा जो मैंने आपको भी पहले बताया था ये मैंने ग्राइंड करके इसका मैंने पानी जो है वो ड्रेन आउट कर लिया था प्याज का, क्योंकि प्याज अपना पानी बहुत छोड़ता है, आपने वो ड्रेन आउट लाजमी करना है। पिसा कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया है, थोड़ा सा जीरा है, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बेसन और सॉल्ट, और ये अनारदाना हमारा जो है पिसा हुआ वो इसके साथ ही मिक्स हो गया, मैंने अभी पीसा था, और वो भी आपने ऐड करना है। अब इसमें मैं एक लेमन स्क्वीज करूँगी। मिक्स
मिक्स करके इसको मैं 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दूंगी मैरिनेशन के लिए। Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am making mutton dum pukht and it's very easy and very yummy recipe. Do try it and let me know. So let's start. सबसे पहले इसके ingredients मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको चाहिए tomatoes और garlic चाहिए, आपने इसको peel नहीं करना, और capsicum चाहिए आपको, onions चाहिए, quantity आप अपने हिसाब से ही कर लीजिएगा, और इसमें ग्रीन चिलीज चाहिए, पोटैटोज़ को मैंने हाफ कट कर लिया है, और आप इसको बेशक पील कर लें बेशक ना करें ये आपकी मर्ज़ी है, ये दोनों तरह सही रहेगा, और लेमन चाहिए। मटन को मैंने बॉयल कर लिया था प्रेशर कुकर में थोड़ी देर के लिए, सॉफ्ट कर लिया था इसको, और स्पाइसेस में मुझे चाहिए ब्लैक पेपर और सॉल्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने पैन के अंदर ऑयल लिया था और ऑयल डाल के मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर सेट करके रख दी थी, और सबसे पहले मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया था, फिर उसके साथ ही मैंने जो है ये लेयरिंग कर दी थी आलूओं वगैरह की। सबसे पहले पोटैटोज़ मैंने इसलिए डाले थे कि वो थोड़ा टाइम लेते हैं, तो बस पोटैटोज़ रख दिए फिर मैंने। और इस रेसिपी को आप चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने चिकन के साथ भी ट्राई किया था तो सही बना था, लेकिन गोश्त के साथ इसका ज़्यादा मज़ा आता है। और इसकी एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसमें ग्रेवी करना चाहें तो ग्रेवी भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा जो यखनी थी जिसमें आपने गोश्त को बॉयल किया था वो आप इसमें ऐड कर दें तो ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली बन जाएगी, और आप इसको रोटी के साथ डिप करके खा सकते हैं, या बिल्कुल ड्राई करना चाहते हैं तो ड्राई करके खा लें। जो ग्रेवी वाला है उसको दम पुख्त रोश बोलते हैं, और ये दम पुख्त होता है। तो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी तो वो होती है कि वो ज़मीन के अंदर डाल के कुछ बनाते हैं मिट्टी में उसको दबा कर, लेकिन ऑब्वियसली हम वो नहीं कर सकते तो हम घर में ही बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े की होती है। और जो लोग डाइट कर रहे हैं वो इसको स्पून के साथ भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी और फिलिंग होता है और बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। हम लोग तो रोटी के साथ खाते हैं, लेकिन अगर आप स्पून के साथ भी इसको खाएं तो बहुत मज़ा आता है, सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं। ये थोड़ी देर आप इसको दम पे रखेंगे तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसको आपने मिक्स नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह ही इसको डिश आउट कर लेना है, और इसके अंदर इतना मज़े का फ्लेवर और टेस्ट होता है, हालाँकि इसमें कोई भी स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी मज़े का बनता है और मैं तो काफ़ी बनाती हूँ इसको। तो ये देखें मैंने दम पे रख दिया था, और मैंने 15-20 मिनट्स के बाद इसको देखा था तो ये सारा इस तरह से सारा जो है ये चीज़ें इसके अंदर जो थी पोटैटो स्पेशली वो गल चुके हैं, क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी गल गया था। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं बनाने लगी हूँ टर्किश कबाब। तो चलें शुरू करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले मैंने कीमा ले लिया है बीफ का 1/2 kg, और मैंने धनिया लिया है और प्याज और हरी मिर्च, और इसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है चॉपर में।
और धनिया आप थोड़ा सा डंडी के समेत ही लें तो अच्छा होगा। और 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक लिया है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है और अकॉर्डिंग टू टेस्ट ज़ीरा लिया है, साबुत धनिया लिया है और मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला लिया है। इसके अलावा मैंने एक एग ले लिया है और यहाँ पर मैंने 3 to 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और मैंने 1 लेमन ले लिया है। और ये हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स टर्किश कबाब बनाने के लिए। और इन सबको मैं चॉपर में, पहले मैंने कीमा अपना ऐड कर लिया है, अच्छे से वॉश करा हुआ था मैंने, और फिर मैंने इसके अंदर ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और बस फिर मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। और ये चॉप होके बिल्कुल स्मूथ से फॉर्म और टेक्सचर में आ गया था। इसमें मैंने एग डाला था और मैंने ये लेमन ऐड किया था जिसकी वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ गया था, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेड मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है, तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी इसको चॉप करने में। मुझे चाहिए था कि मैं ब्रेड स्लाइसिस को नीचे रखती, लेकिन मैंने कीमा पहले ऐड कर दिया हुआ था। तो अगर आप चॉप करें तो आप नीचे पहले इसके नीचे जो है ब्रेड स्लाइसिस की लेयर डालें ताकि वो चॉपर में ईजिली चॉप हो जाए। मुझे बार बार स्पून से इसको मिक्स करना पड़ा था। और फिर मैंने जब कीमा मेरा हो गया तो इसको मैंने कोल का दम दे दिया था, कोयला मैंने थोड़ा सा जला के और उसको मैंने इसका दम दे दिया था और फिर मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब मैं यहाँ पर ये रेडी करने लगी हूँ, इसके लिए मैंने एक थिक सा स्ट्रॉ लिया था और फिर मैंने उसके अराउंड कबाब की शेप में ये बना लिया था। और इसके साथ ही मैंने अपना स्टोव पे अपना पैन भी ऑन कर लिया था, स्टोव ऑन कर लिया था और मीडियम टू हाई फ्लेम मैंने रखा था इसका और फिर मैंने इसको इस पर फ्राई कर लिया था। और ये बिल्कुल स्मूथ थे और बहुत ज़्यादा पतला सा टेक्सचर था कीमे का, इस वजह से ये बहुत ही जल्दी गल गए थे और इसको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था गलने में। और ये फिर मैंने वेजिटेबल, जब मेरे कबाब डन हो गए तो मैंने इसी ऑयल के अंदर अनियन रिंग्स लिए और कैप्सिकम ली और मैंने हरी मिर्च को स्लिट कर लिया। और आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोई और वेजिटेबल भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर मैंने ऑयल के अंदर इसको थोड़ा सा सौते कर लिया और फिर मैंने एक लिया था 2 टेबलस्पून के करीब टोमेटो प्यूरी लिया था और फिर मैंने थोड़ा सा जब इनका कलर चेंज होना शुरू हुआ तो मैंने इसके अंदर टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी थी और मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था और कुटी लाल मिर्च ऐड की थी और काले मिर्च ऐड की थी और बस मैंने टोमेटो प्यूरी डाली और उसके अंदर फिर मैंने इसको अच्छे से टॉस कर लिया। और फिर जो मेरे जो कबाब थे जो मैंने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाया, बस मेरा जो मुझे लगा कि वेजिटेबल्स का थोड़ा सा जो क्रंच है वो लूज़ हो गया है, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है टोमेटो प्यूरी डाल के और फिर मैंने थोड़ा सा इसको टॉस किया था और फिर मैंने इसके अंदर ही वो जो कबाब मैंने बनाए थे वो मैंने इसके अंदर डाल के तो उनको भी टॉस कर लिया और ये बहुत ही मज़े के बने थे। और इस वजह से कि इसमें कैप्सिकम और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा था, तो कैप्सिकम आपने बिल्कुल भी नहीं निकालनी इस रेसिपी में से। और कबाब तो आप लोग खाते रहते हैं, लेकिन ये एक ग्रेवी सी बनी थी बहुत मज़े की और काफ़ी मज़ेदार बना था ये। और इसके साथ आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं, बस हमने रोटी के साथ ही इसको खाया था। और वैसे अगर आप राइस के साथ खाना चाहें तो आप बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको रोटी के साथ खाया था और बहुत मज़े के बने थे। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये शेफ़ शीरीन अनवर जो है उनकी रेसिपी है और ये मैंने ट्राई की तो मैंने सोचा कि मैं भी वीडियो बना लूँ, इसका क्रेडिट उनको ही जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ और माई ब्लॉग्स, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।